एरिया से है, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सोचा हम एक घर का काम वाला ख़त्म हो चुका है, तो अभी सिर्फ मार्बल रहते हैं जो फर्श के लिए, तो वो मार्बल आधा आ चुका है, आधा नीचे वाले घर का है, ऊपर वाले घर का। तो चलिए आपको बताते हैं आधा कौन सा, नीचे वाले घर कौन सा, वो एक कमेंट में बताएँ कि ये कलर ठीक रहेगा। तो आज मेरी स्कूल की छुट्टी थी तो तब ब्लॉग शूट हो रहे हैं, तो चलिए मार्बल की तरफ चलते हैं। मार्बल है ये ऊपर वाला, इस घर का मार्बल है जो इस वक्त नया मारा, ये वाला घर बना है। तो ये मार्बल आप देख सकते हैं, तो अभी ये सूखा हुआ है, इस पर भी पाउडर सब कुछ है। तो अभी आपको हम एक टाइल नीचे वाले, एक मार्बल नीचे वाले घर का और एक मार्बल नीचे वाले घर का और एक मार्बल ऊपर वाले घर का आपको गीला करके बताएंगे क्या इसका असल कलर क्या है। तो ये ऊपर वाले घर का आ गया सारा मार्बल, और अभी आप यहाँ आ सकते हैं। जो ये मार्बल है, ये वाला मार्बल, ये हमारे, ये जो मार्बल है ये हमारे नीचे वाले घर का मार्बल है। तो इसको उसको गीला करके हम बताते हैं, उसको हम गीला नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी टाइल है, तो हमारे पास टूटा हुआ मार्बल पड़ा हुआ है, तो हम उसको गीला करके आपको बताते हैं। चलिए चलिए, तो अभी हम आपको घर पे लेके चलते हैं, तो आप मार्बल देख सकते हैं। ये रहा हमारा मार्बल, हमारे नीचे वाले घर का है और वाला दूसरा। हम आपको अंदर लेके चल सकते हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है अंदर। को मार्बल अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा, इस मार्बल को आप देख सकते हैं, इस वाले मार्बल को, और इसको देखिए ये थोड़ा इस तरह का कलर आ जाएगा। मार्बल जो घर का आ जाएगा, ऊपर वाले घर का आ जाएगा। तो कुछ इस तरह के जो हमारे मार्बल थे वो दरमियान से यहाँ से क्रैक हो गए थे, खराब थे, कीड़ा लगा था उन्हें, तो वो जो मार्बल है वो ये वापस कराना, ये देख सकते हैं। वो देखिए, तो ये जो सारा मार्बल पीछे पड़ा है सारा ख़राब है, तो इसको हम वापस कराएंगे, इसमें कोई सांस भी नहीं है। अभी आप इसकी आवाज़ सुनना, इसकी आवाज़ सुनना और इसकी आवाज़ सुनना। छत हमने इसलिए प्लास्टर नहीं कराया क्योंकि इस जगह पर मेरी गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा की धूप लगती है। पहले अभी नीचे वाला जो हमारा घर है वो ठंडा हो चुका है, इसको हम लगाएंगे सीलिंग, जो इतनी इतनी छत से नीचे नीचे लगेगी थोड़ी सी, पर सीलिंग ग्लास की लगेगी। तो जो आगे आगे की छत है हम लगेगा छत आगे देख सकते हैं, ये छत प्लास्टर करा चुकी दिया है, वो छत ही प्लास्टर हो चुका है, सिर्फ ये रूम्स कर रहे थे तो उसको प्लास्टर करवा लेंगे। आपको एक और बात बताते चलें कि जो हमारे रूम्स के वो थे फैन, उसने गलत जगह पे लगा दिए, आप देख सकते हैं वहाँ से कितना फासला है ये और यहाँ से कितना फासला है। आपको मैं एक दफ़ा बाहर से ही बताता हूँ, ये देख सकते हैं। जब सीलिंग होगी तो इसको हम उठा के जरिए दरमियान में कर देंगे, तो ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और भी प्लास्टर वाले ने देखिए बहुत छोटे छोड़ दिए, इसको भी ठीक करवा लेंगे हम। और इस रूम्स का भी है यही हाल है, वहाँ पर शटरिंग जो होती है वो फटे बड़े लगे या छोटे लगे, दरमियान छोड़ के चला गया खराब करके, इसको उठा के जरिए किया जाएगा। और अभी ये रूम्स हमारे सारे,
यहाँ जो मस्जिद पढ़ते हैं तो उसकी जगह भी सही है। तो मेरा मोबाइल इसने पकड़ा था, इसने ये सारा मार्बल आप देख सकते हैं, ये आस्ता आस्ता से खुश्क होने चला गया, क्योंकि ये अभी फैक्ट्री से आया है तो इतना पक्का नहीं है, तो क्योंकि जब ये मार्बल लग जाएगा, इसको पॉलिश होगी और ये इतना अच्छा रंग पकड़ेगा, तो तब हम आपको बताएंगे कि मार्बल कैसा लगता है। तो भेजने की और इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये भी बार बार और भी आएगा तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर लाइक करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अभी मैं वीडियो वेट करता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। Many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a